और अब बात करते हैं रीवा जिले के माऊगंज की, जहां निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम माऊगंज के नाम तहसीलदार को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने माऊगंज विधायक व भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग करते हुए कहा कि माऊगंज विधायक का शराब की दुकान पर धरना खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। यदि प्रशासन के द्वारा इस मामले में कल तक विधायक और भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती तो कांग्रेस पार्टी भी धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, इस बात के लिए? ज्ञापन नहीं सौंपा है, हमने ये कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं भाजपा प्रत्याशियों को लेकर दारू की दुकान के सामने धरने का नाटक कर रहे हैं, और नाटक किस लिए है? दुकान वहाँ आज से नहीं है, 4 साल 3 साल 5 साल से वो दारू की दुकान वहाँ खुली हुई है, और ये भाजपा की सरकार ही गांव गांव गली गली दारू बेचवा रही है। और आज कौन सा उनका विवाद हो गया उस दारू की दुकान से? वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो कमीशन ना मिलने का विवाद है, उसी को लेकर वो धरने बैठे हुए हैं। ठीक है, धरने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, नगर पंचायत मऊगंज में भी लागू है। आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं, मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। शासकीय भवनों, शासकीय बिल्डिंग, शासकीय छात्रावास में भाजपा प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए हैं, चुनाव चिन्ह चस्पा हुए हैं, इसकी शिकायत हमने पूर्व में भी की है, लेकिन ये प्रशासन यहाँ का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और पूरी तरह से दबाव में है, और इसी को लेकर हमने आज यहाँ आवेदन दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगला कदम ये होगा, यदि इनके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं दर्ज होता है तो कल परसों से हम लोग भी सड़क पर उतरकर ऐसा ही कार्य करेंगे और इनके इन कृत्यों का पुरजोर विरोध करेंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई हम मांग कर रहे हैं? जो भी जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के घर में जाके अपने अपना पोस्टर चिपका रहे हैं, अपने झंडा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है हमने। आप लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं, चाहिए मुद्दा भाई अनिल तिवारी ने बता दिया है, लेकिन मैं तो मुद्दा जो है ना, अभी जो पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं, पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर ये बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि गौतम जी के पुत्र चुनाव हार गए, प्रजापत जी के पुत्र चुनाव हार गए, विधायक जी के जो है पीए जो थे सुभाष, मिस्टर सुभाष, वो तीसरे नंबर में थे, उनकी जिला महिला अध्यक्ष जो मोर्चा की हैं वो भी चुनाव हार गई। इस रिजल्ट को लेकर भयानक स्थिति पर डरे हुए हैं, इसी तरह की नाटकबाजी कर रहे हैं और पैसा के चक्कर है, पैसा लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपने इस क्रम में आपने मनगांव की पूर्व विधायक को नहीं जोड़ा, क्या वजह? नहीं, मनगांव विधायक जो प्रजापत जी बताए ना, प्रजापत जी के पुत्र माननीय विधायक पंचूलाल जी के पुत्र, वो भी चुनाव हारे हैं। इसमें क्या अपेक्षा रखते हैं शासन प्रशासन? हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन उम्मीद कम है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो अनिल भाई ने बताया हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। कब से करेंगे अल्टीमेटम? ये अल्टीमेटम यानी परसों से, मतलब आप लोग आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे और जहां माननीय विधायक जी बैठे हम लोग भी जाके वहीं बैठेंगे।